सो हेलो फ्रेंड, तो आज जगह हम लोग इस टाइप की जो फोटो एडिटिंग, अगर आप लोग इस टाइप की एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को बिना स्क्रीन लास्ट तक देखना। आप लोग इस टाइप की एडिटिंग जो इजिली कर बैठिए और असली वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को बिना स्क्रीन लास्ट देखना। आप लोग इस टाइप की एडिटिंग जो इजिली कर बैठिए और चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मैं फोटो से रिलेटेड हमेशा अपलोड करते रहता हूँ, ठीक है। आप लोग कुछ ना कुछ जो सीख सकते हो, ठीक है। एंड नॉर्मल फोटो को देख सकते हो, काफी ज्यादा बेकार है, काफी ज्यादा बेकार से लग रहा है। एंड एडिटिंग करने बाद जो कुछ स्टेप से लगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे तो हमारे फेस स्मूथ हुआ, आप लोग देख सकते हो। एंड चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने ऑर्डर एप्लीकेशन को इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और मैंने जो इस वाले फोटो के अंदर जो प्रीसेट के यूज़ किया, ठीक है, हम लोग जो प्रीसेट के बस यहाँ पर जो है यूज़ करके जो बस ऑडियो डिस्क्रिप्शन ऐड करना, ठीक है। लाइट रूम में जो आपको प्रीसेट जो है यूज़ करना आता ही होगा, ठीक है। मैंने जो बहुत सारे वीडियो में आपको बता दिया, ठीक है, कि प्रीसेट का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो बस डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एंड डाउनलोड करने के बाद जो फेस कर लेंगे आपको इस वाले ब्रश का यूज़ करना होगा, ठीक है। एंड इस वाले ब्रश को लेने के बाद उसको जो हम 10% रख लेंगे, ठीक है। इसको जो हम 10% रख लेंगे, स्टैंड को हम जो इसको 10% कर लेते हैं। एंड जो इसके फॉलो को जो हम भी 10% कर लेंगे। एंड 10% करने के बाद जो है साइज चूज अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। और हम जो इस टाइप से कर लेते हैं, ठीक है, अब आप लोग देख सकते हो हमारे जो किस कितने अच्छे से जो हमारे फेस स्मूथ हो रहा है, ठीक है। अगर आप लोग इस टाइप से फेस स्मूथ करोगे आपका जो फेस बहुत ही अच्छा जो स्मूथ होगा, ठीक है। हम जो इसको जल्दी से इसको फेस स्मूथ भी कर लेते हैं, ठीक है। हम जो जल्दी से इसको कर लेंगे। एंड तब तक अगले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम जो जल्दी से इसको कर लेंगे। तो अभी हम लोग जिसने हमारे जो है फेस देख सकते कितने अच्छे से जो स्मूथ कर लिया, लेकिन हमारा जो है यहाँ पर जो ब्लैक ब्लैक आ रहा है, ठीक है। सब लोग बोलते हैं, लेकिन अब लोग अगर फोटो एडिटिंग करते हैं, अब लोग सब लोग बोलते हैं फिर जो है अगर आपको ब्लैक ब्लैक आ जाता है तो इस वीडियो को देखो, मैं जो आपको लास्ट में बताऊँगा कैसे आपको जो है ब्लैक ब्लैक हटा दिया जाता है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे जो हमेशा आपको जो ब्लैक ब्लैक आएगा 100% श्योर, अगर आप ऑटो डिटेक्ट से करते हो ये हमेशा आएगा, लेकिन इसको सोल्यूशन कुछ दूसरा है, ठीक है। लेकिन आपको बेवकूफ़ होने के लिए जो है ये डुप्ले लेयर बनाने के लिए कोई बोलेगा, कोई जो मीडियम ब्रश को सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, लेकिन कोई बोलेगा इस वाले ब्रश का यूज़ करो, ठीक है। अब कोई बोलेगा इस वाले ब्रश का यूज़ करो, कोई बोलेगा कोई बहुत सारा ब्रश है, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं इस वाले ब्रश को लिए बोलेगा, मैं भी इस वाले ब्रश की स्मूथ करता हूँ, ठीक है। स्मूथ करने के लिए ब्रश बोलता हूँ, लेकिन ब्लैक ब्लैक हमेशा रहेगा, ठीक है, ये बात जान लो, ठीक है। सब लोग तुम्हें जो है उल्लू समझ कर जो है वीडियो को देखने के लिए बोलता है, लेकिन आप लोग देख ही लेते हो, लेकिन उस वाले वीडियो में कुछ नहीं होता, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा आज जो है ब्लैक ब्लैक कैसे हटाएगा, ठीक है, हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो कैसे जो आपको इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा इस ब्लैक को कैसे हटा लीजिए, तो एकदम रियल 100% जो जेन्युइन ट्रिक है, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए जो आपको जो है आपको इस फोटो को जो है सनसेट एप्लीकेशन जो ऐड करना होगा, ठीक है, ठीक है। हम जो सनसेट एप्लीकेशन में ऐड कर लेते हैं, ठीक है, एकदम मैं आपको बताऊंगा कैसे जो आपको करना, ठीक है। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पर जो मैं सनसेट एप्लीकेशन में क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। ये देख सकते सनसेट में आ गया फोटो। एंड सनसेट आने के बाद आपको जो सबसे टू सिलेक्टेड टूल का यूज़ करना, ठीक है। एंड यूज़ करने के बाद आप लोग जहाँ पर ब्लैक है इसको बस सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। एंड यहाँ पर जो आप जो है इसको इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेना, इस तरह से ब्राइटनेस को बढ़ा देना, ठीक है। आप लोग देख सकते हो हमारा ब्लैक जो है हट गया, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो है टी शर्ट पर जो है लाइट आ गया, ठीक है। टी शर्ट को अगर आपको लाइट आ गया तो आपको फिर से जो इस प्लस ब्लैकन पर जो आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो प्लस ब्लैकन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो फिर से इस प्लस ब्लैकन पर क्लिक करना। एंड फिर से आपको जो है टी शर्ट पर जो है क्लिक कर देना, आपका जो देखना ब्राइटनेस जो है हट जाएगा जो है टी शर्ट से, ठीक है। एंड इसका जो ब्राइटनेस को बढ़ा देना, ठीक है। एंड हमारा जो यहाँ पर ब्लैक है, जहाँ पर ब्लैक है बस वहाँ पर कर देना, ठीक है। आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो, मैं जो हर एक चीज़ को तो क्लियर बताऊंगा, ठीक है, एकदम 100% रियल ट्रिक बताता हूं मैं हमेशा, क्योंकि मैं फेक चीज़ कभी भी जो है बताता नहीं हूं, ठीक है। यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने स्मूथ नहीं किया हल्का सा, ठीक है, जल्दी में करने में आपको जल्दी दिखाने में मैंने स्मूथ भी नहीं किया। एंड यहाँ पर जो इस टाइप से कर सकते हो, ठीक है, एंड इसको जो है टर्न कर लेना, ठीक है। एंड टर्न करने के बाद जो है मैं आपको एक चीज़ और बताई नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है पीएनजी को ऐड किया जाता है, इस पीएनजी को ऐड करने में फिर से जो है ऑर्डर डिस्क्रिप्शन से ऐड कर लेता हूँ इस फोटो को, ठीक है। एंड ऐड करने लीजिए, फिर से हम जो ऐड फोटो पर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐड फोटो पर क्लिक कर लेंगे एंड हमारा यहाँ से तो बहुत सारे म्यूजिक का जो है, ठीक है, पीएनजी से इसको जो है हम स्क्रीन कर लेंगे, ठीक है, बस स्क्रीन कर लेंगे एंड इसको जो हम ट्रांसफॉर्मर कर लेंगे,
बिल्कुल इस टाइप से एंड और कुछ और PNGs है ठीक है। अगर कोई PNGs चाहिए तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना ठीक है। कोई भी बात नहीं, ऐसे जो है मैं बस इसको ऊपर कर लूँगा ठीक है, इस तरह से ऊपर कर लेता हूँ। मैंने इस तरह से जो है एडिटिंग करके जो इंस्टाग्राम पर डाला था बहुत ही अच्छा जो रिस्पॉन्स मिला सबको, सब भाई भी कमेंट आए थे, इसलिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ठीक है। वरना मैं इस वाले फोटो का वीडियो नहीं बनाता, कुछ और वीडियो बनाता, लेकिन सब भाई का कमेंट था तो इस वाले वीडियो के अंदर बताओ, तो मैंने इस वाले वीडियो के अंदर बता दिया ठीक है। कोई भी बात नहीं है, तो आप लोग इसे कोई इस तरह से एडिटिंग कर सकते हो, सब सोल्यूशन आपको बता दिया। एंड मैं आपको आज बताऊँगा प्रीसेट का कैसे यूज़ करना ठीक है। प्रीसेट के यूज़ करने के लिए जो आपको लाइटरूम को ओपन कर लेना ठीक है। एक बार हम लाइटरूम को ओपन कर लेते हैं, तो बोले देख सकते हो जो लाइट रूम आ गया। लेकिन लाइट रूम में आने के बाद जो सबसे पहले आपको जो फोटोज पर जो क्लिक कर लेना ठीक है। मैंने ऑलरेडी जो इसको फोटोज पर क्लिक किया एंड अब लोग देख सकते हो यही वाला जो नॉर्मल फोटो है ठीक है, मैंने इसके आपको एडिटिंग करके दिया था। और मैं आपको बताऊँगा प्रीसेट के कैसे यूज़ करना ठीक है। एंड यहाँ पर जो हम कर लेते फोटोज पर क्लिक एंड फोटोज हमारा आ गया ठीक है, आप लोग देख सकते हो। एंड हमारा फोटो आने के बाद आप लोग देख सकते हो फोटो कितना जो है बेकार सा लग रहा है ठीक है। अगर आप जब प्रीसेट की यूज़ करेंगे हमारा फोटो देखने कितना मस्त लगता है ठीक है। एंड हम जो प्रीसेट पर कर लेते क्लिक ठीक है, एंड थ्री डॉट पर जब हम क्लिक करेंगे जो इसका जो कॉपी सेटिंग कर लेंगे ठीक है, इन दोनों को जब कॉपी कर लेते हैं एंड जो हमारा उस वाले फोटो के अंदर जो अप्लाई करनी ठीक है। अब मैं जिस वाले फोटो के अंदर बताया था उस वाले फोटो के अंदर बस यहाँ पर जो आपको अप्लाई कर लेना ठीक है। यहाँ पर जब हमें जो बस पेज सेटिंग कर लेना एंड प्रोसेसिंग होने के बाद आप लोग देख लेना कितना ज़्यादा मस्त लगता है ठीक है। यहाँ पर जो है हम आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है। तब तक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।